हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ लिशा सो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू केसरी राइस की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है एंड हेल्दी है सो लेट्स स्टार्ट सो so फ्रेंड्स इसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है एंड इसे अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दो टेबल स्पून जितना देसी घी यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑयल बट देसी घी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन तो यहाँ पर देसी घी को मैं गर्म करने के लिए रखूँगी एंड फर्स्टली आपको ये बता दूँ कि आ, ये जो केसरी राइस है दो तरीके से बनाई जाती है एक जो है कि जो मीठी बनती है मीठी जो शक्कर से हम बनाते हैं वो और आज जो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये मीठी नहीं है ये नॉर्मल हमारे जो सॉल्टी होती है ना वैसी राइस है तो फर्स्टली इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं दो इलायची हरी इलायची छोटी वाली एंड साबुती डाली है मैंने इसके अंदर सो so, बहुत अच्छा एक अरोमा मिल जाएगा हमारे इस डिश को नेक्स्टली इसके अंदर तेज पत्ता डाल दिया है मैंने अब तेज पत्ता डालने के बाद अब नेक्स्टली इसके अंदर हम डाल देते हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिसके अंदर रेजन्स हैं कैशोनट्स हैं एंड आलमंड्स uh, हैं तो ये सारी चीज़ों को मैंने स्लाइसली लंबा लंबा काट लिया है एंड इसे हम अच्छे से घी में रोस्ट कर लेते हैं फर्स्टली बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है एंड यू कैन सी रेजन भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं तो ये इनफ है अब इसके अंदर मैंने ये प्री सोक्ड अनपॉलिश्ड राइस यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पर बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं अनपॉलिश्ड राइस यूज़ करना प्रेफर करती हूँ इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ तो ये मैंने सोक करके रखे थे यहाँ पर नियर अबाउट अ कटोरी जितने चावल थे तो इसे अच्छे से सोक कर लिया है मैंने अब इसे भी मैं घी में साथ में ही रोस्ट कर लूँगी सो दैट ये एक अच्छा टेस्ट एंड बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा हमारी राइस को अगर आप रोस्ट करके इस तरह बनाते हैं तो इसे भी नियर अबाउट हम टू मिनट्स के लिए इसी तरह स्टोर करते हुए रोस्ट कर लेंगे सो so फ्रेंड्स ये रोस्ट हो चुकी है तो अब यहाँ पर मैंने केसर को ऑलरेडी मैंने भिगो के रखा था वॉम मिल्क में तो वो इसके अंदर डाल दूँगी तो इससे बहुत ही अच्छा एक केसरी टेस्ट मिल जाएगा एंड इफ़ यू वांट आप एक्सटर्नली इसके अंदर केसरी कलर भी ऐड कर सकते हैं बट अगर आप नहीं चाहते तो सिर्फ इससे भी बहुत अच्छा कलर मिल जाएगा अगर आप पहले से ही इसे सोक करके यूज़ करते हैं तो इसे भी हम राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब नेक्स्टली इसके अंदर ये केसरी कलर है गाइस वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आप बिल्कुल टोटली ऐसे स्किप करके यहाँ पर कुछ भी ना डालें सिर्फ केसर से भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा बट अगर आप डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारे राइस जो हैं बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं विद घी में बहुत अच्छा एक अरोमा आ रहा है एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी रेसिपी गाइस तो आप डेफिनेटली ये रेसिपी ट्राई करना बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि स्वीट रेसिपी तो अपने बहुत केसर की स्वीट राइस बट ये है सॉल्टी। अब यहां पर ये वाली एक कटोरी मैंने राइस लिया था तो अब इसी की दो कटोरी मैं पानी डालूंगी दैट मीन कि वन इज टू का रेशियो है अगर एक कटोरी राइस है तो दो कटोरी जितना मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी एंड इसे अब हम अच्छे से उबलने देंगे अब इस टाइम पे आप चाहें तो यहाँ पर शुगर डाल सकते हैं सो so दैट ये जो मीठा केसरी भात होता है ना वो बन जाएगा बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ इसे सॉल्टी राइस बना रही हूँ मीठा नहीं बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही सॉल्ट डाल दूँगी सो इसे अच्छे से हम उबलने देंगे आप देख सकते हैं घी बहुत अच्छे से ऊपर अच्छे से ऊपर आपको शाइन दिख रही होगी तो दिस इज़ वॉट बहुत ही अच्छी डिलीशियस रेसिपी है डिफरेंट है तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करना बहुत ही सिंपल है तो दिस इज़ हाउ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है एंड अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे बंद करके और अच्छे से इसको दो सीटी आने तक फुल फ्लेम में रखेंगे एंड फिर लो फ्लेम में इसको नियर अबाउट हम फाइव टू तो सिक्स मिनट्स के लिए रखेंगे सो दैट एक अच्छा टेस्ट मिल जाए हमारे इस राइस को एक दम बिरयानी जो होती है ना जिसको अच्छे से आप दम में पकाते हैं वो वाला यहाँ पर टेस्ट मिलेगा इस राइस को तो चलिए प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देते हैं एंड इससे प्रेशर कुक होने देते हैं सो so, दो सीटी के बाद इसकी गैस फ्लेम को हम स्लो कर देंगे इस आप देख सकते हैं हमारी राइस रेडी हो चुकी है अनपोलिस्ड केसरी राइस सॉल्टी केसरी राइस गाइस इतनी टेस्टी है इसके अंदर नट्स के फ़्लेवर हैं घी का फ्लेवर है और खड़े मसाले हमने जो डाले उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है तो आप डेफिनेटली ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना थोड़ी सी भी डिफरेंट लगी हो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ बाय